नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में शहीद जवान की पत्नी को गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सरकारी नौकरी का पत्र। सुरक्षा हालात पर समीक्षा बैठक में हुए शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रही ज्यादती। कट्टरपंथियों के खिलाफ इस्कान श्रद्धालु एकजुट। दुनिया के 700 मंदिरों पर किया प्रदर्शन। भारत के खिलाफ महामुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 टीम की घोषणा। 3 तेज गेंदबाजों के साथ मुकाबले की तैयारी। योगी सरकार ने बदला फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम। अयोध्या कैंट रखने का लिया फैसला। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की निगरानी में रहेंगे लोग। संदिग्धों पर नजर रखने के लिए अतिरिक्त नाकेबंदी। समीर वानखेड़े ने अनन्या को लगाई फटकार। देर से पहुंचने पर कहा, ये कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं। 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले। 666 लोगों की हुई मौत। राहुल गांधी ने किसानों और महंगाई के मुद्दों पर केंद्र को घेरा। कहा, सरकार नाकाम थी, नाकाम है। यूएन की रिपोर्ट में दावा, भूखमरी की कगार पर पहुंचा उत्तर कोरिया। आत्महत्या करने को मजबूर है जनता। तेलंगाना के करीम नगर में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.0 रही तीव्रता। वरुण गांधी ने फसल जलाते किसान का वीडियो किया ट्वीट। अपनी ही सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। विशेषज्ञ बोले, भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बेहद कम। कोरोना से मृत्यु दर में नहीं आ रही कमी। उत्तराखंड आपदा पीड़ितों से मिलने चंपावत पहुंचे सीएम धामी। अधिकारियों को दिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को किया रवाना। 20 लाख नौकरी सरकारी देने का किया वायदा। बसपा, कांग्रेस व सपा के नेताओं ने ली भाजपा की सदस्यता। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया स्वागत। अखिलेश यादव बोले, सपा की सरकार बनने पर आएगी खुशहाली। भाजपा को मौका नहीं देगी अब जनता। कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिल सकता है बढ़ा महंगाई भत्ता। योगी सरकार कर सकती है घोषणा। लॉन्चिंग से पहले नई क्रेटा की तस्वीरें आई सामने। एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन का हुआ खुलासा। रणवीर सिंह रखने वाले हैं दीपिका के लिए करवा चौथ का व्रत। हाथों में रचाएंगे पत्नी के नाम की मेहंदी। मेरठ में नगर प्रत्याशी रहे पार्षद जुबेर अंसारी के घर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। पीड़ित परिवार से मिले। कहा, मृतक जुबेर अंसारी की पत्नी से चुनाव लड़ने की बात की।